लोग जो देश की आज़ादी से लेकर अभी तक स्वयं तो कुछ जनहित और देश के राष्ट्र के बारे में कर नहीं पाए, क्योंकि उनको अपने भ्रष्टाचारों से अपने घरों को भरने से ही फुर्सत नहीं थी। देश का किसान आत्महत्या करता था। चर्चाएं होती थी देश के अंदर कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए देश के अंदर समय समय पर हर वर्ग के लोगों को उनके उत्थान के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाए कि जिससे वो लोग स्वावलंबी होकर अपना जीवन जी सकें। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के तुरंत बाद वोट लेने से पहले ही सेंट्रल हॉल में कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। देश में 86% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी उनका व्यवसाय कृषि है। आप सब बड़ी प्रकार जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए समय के चलते चलते देश के अंदर अब किसानों के पास उनकी जो जोत की जमीन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उद्देश्य है कि किसान का जो बिल है, किसान थोड़ा गांव का रहने वाला है और कहीं बिल उन तक ना पहुंचा हो, ना पढ़ पाया हो, तो उनको कहीं भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस ना करे, जैसे हाथरस के मामले में मुहिम चलाई गई थी, जैसे सीए के खिलाफ लोगों को भड़काया गया तो गुमराह करके सड़कों पर ला दिया और ये दिल्ली में दंगा करवाने में विपक्षी यूपीए के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सफल हो गए थे। तो किसानों के मामलों में कहीं गरीब किसानों को भी ये उकसा कर कहीं ना कहीं उनके साथ में ऐसी व्यवस्था ना कर दें कि इन गरीबों की हत्या ना करवा दें किसानों की। तो इसीलिए किसानों को इस बिल की जानकारी देने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है, माने मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे सभी कैबिनेट मंत्री 50 स्थानों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच में जाकर वो मीटिंग करेंगे और किसानों को बिल की जानकारी देंगे कि किसान इसके बारे में समझे, पढ़े क्लॉज के बारे में, या उनके मन में कोई भ्रम हो तो किसान हमसे पूछे इस बात को लेकर। तो इसलिए किसान पढ़ा लिखा हो गया है, उनके बच्चे पढ़ गए हैं, अब किसान भ्रमित है भी नहीं और ना किसान में कोई इस प्रकार का आक्रोश है। सर, जो ये कृषि बिल आया है, कितने परसेंट किसानों को फायदा होगा और छोटे किसानों को फायदा होगा या फिर बड़े किसानों को? ये छोटे किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं और जो किसान है वो छोटा किसान ही है, वो फार्मर नहीं है। तो इसलिए छोटा किसान 86% इस देश में है जो कृषि से, कृषि में मजदूरी करके और कृषि में फसल उपजाकर अपना गुजारा करता है गांव के अंदर। और अब क्योंकि जोत भी छोटी हो गई है, ज़मीनें घटती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है, तो उसके कारण छोटी जोत के लिए किसान अब अपनी ज़मीन को, वो पहले भी पट्टे पर खेती थे, पहले भी जुताई करते थे, बेटा बड़ा हो गया, एक एकड़ में गुजारा हो नहीं रहा, बेटा शहर की तरफ आ गया, इसीलिए अब वो करार करके किसी से ऑथेंटिक उसको अपनी ज़मीन के खेत के कब्जे के बारे में भय ना रहे और जिससे करार करे वो मुकर ना जाए, उसके लिए कानून बनाया कि किसान अपनी फसल के फसल पैदा होने से पहले कीमत तय कर सकता है और कानून के प्रति करार करना बाध्य होगा कि उसको कीमत अब देनी पड़ेगी। सर, जिस तरह अभी आपने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बीजेपी के सांसद हो, विधायक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वे हर